इस वक्त एक बड़ी खबर सीतामढ़ी के सोनबरसा से सटे नेपाल बॉर्डर से है, जहां देर रात एसएसबी के जवानों ने दो विदेशी महिलाओं के साथ स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं उज्बेकिस्तान की नागरिक है, जबकि युवक अमित कुमार बथनाहा के हरिबेला गाँव का रहने वाला है। सशस्त्र सीमा बल की ओर से बताया गया कि मंगलवार को सोनबरसा बॉर्डर पर दोनों महिलाओं को भारत में प्रवेश के दौरान जवानों को तीसरे देश के नागरिक होने की आशंका हुई। रोककर पूछताछ करने पर दोनों महिलाएं उज्बेकिस्तान की और युवक सीतामढ़ी का निकला। एसएसबी के जवानों ने तीनों को हेडक्वार्टर लाया, जहां पूछताछ के दौरान महिलाओं के पास से उज्बेकिस्तान का पासपोर्ट बरामद हुआ। हालांकि दोनों के पास भारत में आने का वीजा नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर नेपाल के अलावा तीसरे देश के नागरिक का बिना वीजा प्रवेश वर्जित है। एसएसबी ने रेननो और ओगुलिजन नामक महिलाओं को सोनबरसा थाना को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि अभी तक इन दोनों के भारत प्रवेश की असली वजह सामने नहीं आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत नेपाल सीमा से सटे सोनबरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत वहां पर तीन लोगों को अप्रीहेंड किया गया है, जिसमें कि दो महिलाएं हैं और एक पुरुष है। सभी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है, उनका सत्यापन कराया जा रहा है कि वो कहां के नागरिक थे और वो उनका अगर वीज़ा ओवरस्टे कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। इन सब की जाँच अभी जाँच के क्रम में है। सर, प्रारंभिक जांच से क्या पता चला, क्या बता रही है, कहाँ के नागरिक दोनों हैं? प्राइमा फेसी जो अभी जानकारी मिली है उसमें वो उज्बेकिस्तान की नागरिक होना बताया जा रहा है, लेकिन अभी उस संदर्भ में जांच चल रही है। वो जांच जैसे ही पूरी होगी हम आपको और डिटेल्स दे पाएंगे।